क्लासेस, मैं हूं तबिता। और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज के, जो कि हमें अपने रिवीजन में जरूर करने हैं। यानी कि आपको, यानी कि जो बुक में हमारा प्रोसेस वगैरह दे रखा है चैप्टर का, वो तो करना ही है, और भी सारे टॉपिक करने हैं, बट ये टॉपिक अक्सर केस स्टडीज में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक एक अच्छी तरीके से रिवाइज जरूर करने हैं। तो कौन से हैं ये 10 टॉपिक, सबसे पहले बढ़ते हैं गाइस। देखो, प्रोसेस पर अगर मैं बात करूँ, सिलेक्शन का प्रोसेस, स्टाफिंग का प्रोसेस या कंट्रोलिंग का प्रोसेस, आपको करना ही करना है, उस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उसके अलावा जो चैप्टर के बीच में टॉपिक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो सबसे पहला हमारा बनता है कौन सा चैप्टर, स्टाफिंग। स्टाफिंग में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। आपको पता है दो तरीके से रिक्रूटमेंट करी जाती है, इंटरनली एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन होता है, और एक्सटर्नल में उसके बहुत सारे टाइप हैं, उसी पर केस स्टडी ज़्यादातर आती है। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। सेकेंड टॉपिक गाइस आपके नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आपको क्या करना है, मोटिवेशन जो टॉपिक है उसमें उसकी मोटिवेशनल थ्योरी, जिसमें आपको 5 टाइप की नीड बता रखी है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी वगैरह। इसके साथ साथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, इस पर भी केस स्टडीज बहुत बार पूछी जाती है। तो ये टॉपिक अच्छी तरीके से आपको लर्न होने चाहिए, समझ आने चाहिए। थर्ड टॉपिक गाइस अगर हम बढ़े कंट्रोलिंग चैप्टर से, तो कंट्रोलिंग में हमें देखो उसके फीचर्स तो बहुत लिमिटेड से है, सिर्फ 4 ही है कंट्रोलिंग के। अगर प्रोसेस की बात करूँ 5 स्टेप ही है, तो मतलब वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस उतनी ही इम्पॉर्टेंट है गाइस जितने बाकी सारे चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने अपनी शॉर्ट्स में बता रखी है गाइस। फेम जी है इसकी शॉर्ट फॉर्म, फेम जी अंकल के नाम से मैंने आपको बताई है। तो ये 6 इम्पॉर्टेंस है जो अक्सर केस स्टडीज में पूछी जाती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े गाइस, तो हम बढ़ते हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर की ओर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, प्लस इम्पॉर्टेंट है। इसमें अक्सर वर्किंग कैपिटल, जो आपका वर्किंग कैपिटल के जो फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्टर्स अच्छी तरीके से करने हैं वर्किंग कैपिटल के, क्योंकि इंटरनली रॉ मटेरियल का एक टॉपिक है, उस पर आ जाता है, उस पर केस स्टडी आ जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ अ क्रेडिट, उस पर केस स्टडी आ जाती है। तो वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक अगर हम इस चैप्टर में करें, तो वो है EBIT और EPS एनालिसिस। गाइस इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जिस पर मैंने वीडियो बनाई है, और आज आ जाएगी, सो आप ज़रूर देखना। ऑलरेडी भी बन रखी है एक वीडियो, आज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ CBSE के जो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है उसको कवर किया है। तो ये ज़रूर देखना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसमें मतलब आपको आना चाहिए। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद सिक्स टॉपिक पर अगर हम बढ़े, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ SEBI। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ SEBI, इस पर भी गाइज आपकी एक शॉर्ट बन रखी है, जिसमें इसके शॉर्ट फॉर्म में कैसे आप इसे याद कर सकते हो वो बताया, तो आप वो देखकर इसे याद कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ SEBI काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार केस स्टडीज में पूछा जाता है। इसके अलावा न्यू जब इशू शेयर किए जाते हैं, तो न्यू इशू ऑफ शेयर्स कितने मेथड से किए जाते हैं गाइज, इस पर भी शॉर्ट्स अवेलेबल है। तो यानी कि आप शॉर्ट्स देखकर इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। तो न्यू इशू के 5 मेथड्स होते हैं गाइज, जब भी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में नए शेयर आते हैं, तो 5 मेथड से इशू किए जाते हैं, वो ज़रूर आपको पता होनी चाहिए, इस पर केस स्टडी आती है। इसके अलावा अगर 8th टॉपिक पे आगे बढ़े, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, इसमें ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, इन पर बहुत केस स्टडी आती है, आपको पता होनी चाहिए। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को या इस टॉपिक को नहीं पढ़ा, तो ज़रूर इसे पढ़ना। 9th टॉपिक है गाइज आपका राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर से है, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। प्लस इसके साथ साथ 10th जो टॉपिक हमारा बनता है वो है 3-tier रिड्रेसल कमीशन। तो 3-tier में गाइज हमें क्या करना है, मेनली इसमें हमें 45 डेज, 30 डेज का अमाउंट का, 1 करोड़ तक के, 10 करोड़ तक के या उसके ज़्यादा के, वो केसेस हमें ज़रूर पढ़ने हैं। हम कितने दिन में अपील कर सकते हैं वो ज़रूर हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा गाइज देखो, ये 10 टॉपिक्स हैं जिन पे मोस्टली केस स्टडी पूछी जाती है, लेकिन इसके अलावा चैप्टर में हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है,
वो आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, लेकिन इन्हें भी एक बार अच्छी तरीके से गो थ्रू हो जाना है। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी गाइस, उसमें इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ के साथ आऊँगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। आईडी है तबिता मेसी। थैंक यू।